IAS, GATE, PSU एंड ऑल टेक्निकल एग्जाम्स की कंप्लीट हैंड रिटन नोट के साथ ऑनलाइन स्टडी करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर लेवे और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हाय गाइस एंड वेलकम अगेन, दिस इज भरत। नाउ वी आर स्टार्टिंग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स विच इज ऑल्सो कवर मोर इम्पोर्टेंट पार्ट इन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स। अब इस सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह है कि कौन कौन से सब जो भी चैप्टर वगैरह है कौन कौन से पढ़ेंगे वो देख लो के करके। ओके, फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेशन, एंड सेकंड है बेसिक्स ऑफ कैलकुलस। ओके, थर्ड है प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देन न्यूमेरिकल मेथड्स एंड देन डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारे कुछ जो भी सब टोटल जो चैप्टर वगैरह हैं ये कवर करेंगे। इसमें जो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेशन होते हैं इसका अप्रोक्स मार्क्स आता है 1.1। आपको पता है ना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पेपर नंबर फर्स्ट में आती है, जो पेपर नंबर फर्स्ट होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्री में पेपर नंबर पर, उसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड जनरल स्टडीज़ वगैरह एप्टीट्यूड वगैरह बहुत सारे सब्जेक्ट आती हैं, उनमें इंजीनियरिंग मैथ भी है जो बहुत कवर करता है मार्क्स। ओके, बेसिक कैलकुलस अगेन अप्रोक्स 2 नंबर का आएगा। ओके, प्रोबेबिलिटी 2 नंबर, 1 नंबर 1, ये देख लो के करके। ओके ओके, नाउ स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेशन। पहले बात करते हैं, पहले इसमें भी दो पार्ट में कवर करेंगे इसको। पहला पार्ट रहेगा मैट्रिसेस का एंड देन जो पार्ट रहेगा सेकंड वो रहेगा डिटरमिनेशन। मैट्रिसेस क्या होती है? इट इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट। आपका जो रेक्टेंगुलर एरे रहेगा अब समथिंग लाइक दिस। ओके, इस तरीके से अभी डिटेल से पढ़ेंगे, डोंट वरी। ओके, इस तरीके से हम जिस भी चीज़ को दिखाएंगे एलिमेंट्स के फॉर्म में, इस रेक्टेंगुलर एरे को दिखाएंगे उसको, इस कंप्लीट फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। ओके, अब बहुत तरीके की मैट्रिक्स, देर आर ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस लाइक रो मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ओके, अपर डायगोनल, लोअर डायगोनल, अलग अलग तरीके की होती है। उनके सबके कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन है कि किस किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट होती है अलग अलग टाइप्स में। ओके, वो एक एक करके भी आ जाएगा। देखो, इस तरीके से मैट्रिक्स को हम इस तरीके से दिखाएंगे ए। ओके, ये कोई एलिमेंट है, और आई और जे ये पोजिशंस है इस एलिमेंट की। ओके, और जो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है उनको दिखाता है ये जो बाहर रहते हैं एम मल्टीप्लाइड बाई एन। मतलब एम का मतलब क्या है? जो पहले आता है उसका मतलब है लोकेशन, सॉरी नंबर ऑफ रोज। ओके, और एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। अब देखो, इसमें स्टूडेंट ज़्यादातर कहाँ कन्फ्यूज होते हैं कि रोज कौन सी होती है एंड कॉलम्स कौन से होते हैं। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स है, देखो इस तरीके से, ओके, मैं तो हमेशा कन्फ्यूज रहता था, अगर फिर भी अगर आप रहते हो तो उसके लिए थोड़ा समझ लो इसको। हाँ, अगर आप कन्फ्यूज नहीं होते हो देन नो प्रॉब्लम। ओके, अगर आप इस मैट्रिक्स को इस साइड से देखोगे, ओके, या तो आप इस साइड से देख लो इस मैट्रिक्स को, या फिर आप मैट्रिक्स को इस साइड से देख लो, इन दोनों साइड से आप देखोगे तो आपको जितनी नंबर ऑफ लाइन्स दिखेगी दैट लाइन्स आर नोन एज नंबर ऑफ रोज। ओके, इस साइड से देखोगे तो वो क्या रहेगी? रो रहेगी। ओके, और अगर आप इस मैट्रिक्स को इस साइड से या फिर आप इस साइड से देखोगे तो यहाँ पर आपको जितने नंबर ऑफ लाइंस दिखेंगी इस साइड से, ओके, या फिर इस साइड से, इस साइड से देखो या इस साइड से देखो एक ही बात है, तो इस साइड से जितने नंबर ऑफ लाइंस दिखेंगी वो रहती हैं आपकी नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, इनको हम डिनोट करते हैं एम से नंबर ऑफ रोज को। ओके, और नंबर ऑफ कॉलम्स रहते हैं उनको हम डिनोट करते हैं एन से। ओके, एक अलग तरीके से ये भी समझ सकते हो कि कॉलम क्या होता है। अपनी सिविल इंजीनियरिंग में कॉलम इस तरीके से रहता है। ओके, अगर इस तरीके से बनाएंगे तो ये कॉलम है। ओके, तो अगर आप इसको यहाँ से देखोगे तो ये आपको एक कॉलम दिख रहा है बिल्कुल खड़ा हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पर दूसरा कॉलम है तो यहाँ पर अगेन एक कॉलम दिखाओ, यहाँ देखोगे ये अगेन यहाँ पर है। तो अगर आप इसको देखो इस साइड से देखोगे तो कितने कॉलम दिख रहे हैं? 3 कॉलम दिख रहे हैं आपको। अगर आप इसको इस साइड से देखोगे तो आपको ये दिखेगा एक। ओके, इसके आगे का ये वाला दिखेगा नहीं, क्योंकि इससे हाइड हो जाएगा, इसकी वजह से ये और ये हाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे तो आपको एक ही चीज़ दिख रही है। मतलब इस साइड से आप देखोगे तो आपकी कितनी है? एक तो क्या है आपका? रो है। ओके, और इस साइड से देख रहे हो तो क्या हो रहा है? 3 नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो इसको आप लिख सकते हो नंबर ऑफ रोज। ओके, तो रो कितनी है इसमें? 1। नंबर ऑफ रो कितनी है? 1। ओके, और कॉलम कितने हैं? 3। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये हो गई आपकी डिनोमिनेशन। ओके, कि इस तरीके से आप इसको डिनोट करोगे।
जनरल इंट्रोडक्शन है, पढ़ लो फिर डिटेल से, तो आगे चलेंगे जो वैसे होता जाएगा। अभी आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से। अब देखो इसमें जो ए ये आई जे है एम मल्टीप्लाइड बाय एन, इसमें जो आई है वो आई क्या है, देखो यहाँ पर लिख रखा है उसकी वैल्यू वन से लेकर के एम तक हो सकती है, वन भी हो सकती है और एम भी हो सकती है। जे की वैल्यू वन से लेकर के एन हो सकती है, वन भी हो सकती है और एन भी हो सकती है। अब यहाँ पर बात आती है कि आपका एम क्या है और एन क्या है, तो यहाँ पर लिख रखा है एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, आपके जो एम और एन होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे, मतलब इस मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे क्या होंगे, हमेशा नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है। और वो वेरी कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं, वन से लेकर के कहीं तक भी जा सकते हैं, बस वो नेचुरल नंबर होने चाहिए। ओके ओके, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। जे क्या है, यहाँ पर लोकेशन है, ठीक है, ये अंदर जो दिखाते हैं आई जे, ये अंदर वाली चीज़ें हैं वो तो क्या है, लोकेशंस दिखाती है, और बाहर जो रहती है वो नंबर्स दिखाती है कि कितने नंबर की आपकी मैट्रिक्स है। ओके, इसको थोड़ा देख लो अच्छे तरीके से कि मैंने समझा दिया, बाकी आप इसको जब खुद का दिमाग लगा के थोड़ा पढ़ो तो समझ आ जाएगा। ओके, बेसिक चीज़ है, कुछ नहीं है। ओके, अब आती है देर आर मेनी टाइप ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट है इसमें रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें आपका एक रो रहेगा और कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। ओके, इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को इस साइड से देखोगे, ओके साइड से देखोगे उसके, तो आपको एक रो दिखेगी। ओके, और अगर आप इस साइड से देखो तो आपको कितने भी कॉलम्स दिख सकते हैं। ओके, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे, जिसमें आपका एक तो रो हो और बाकी कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। देखो, द मैट्रिक्स विच हैज़ वन रो ओनली इज कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स। ओके, मतलब कोई भी मैट्रिक्स इस तरीके से होगी, आपका एक तो क्या होगा, रो होगा। ओके, और कॉलम एन, मतलब कॉलम आपके कितने भी हो सकते हैं। ओके, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टेन ट्वेल्व हंड्रेड थाउजेंड, ओके वन लैख टू लैख, कितने भी हो सकते हैं, बट आपका जो कॉलम होगा वो हमेशा एक होगा, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। ओके, एग्जांपल यहाँ पर दिखा रखा है, देखो इस तरीके से वन मल्टीप्लाइड बाई एन, मतलब आपके इस साइड से देखोगे आपको कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, देखो यहाँ से देखो आपको कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स दिखेंगे, उसको एक दो तीन चार, इस तरीके से एन नंबर ऑफ़ कॉलम्स दिखेंगे। ओके, और अगर आप इसको साइड से देखोगे तो आपको सिर्फ एक रो दिखेगी, बाकी और कोई रो नहीं दिखेगी, तो ये क्या हो गई, रो मैट्रिक्स हो गई। ओके, ऐसे ही सेकेंड मैट्रिक्स से आप अपनी कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें आपका कॉलम एक रहेगा, रो कितने भी हो सकते हैं, मतलब साइड से देखोगे तो आपको एन नंबर्स ऑफ रो भी दिख जाएं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर आप उसको टॉप व्यू या फिर बॉटम व्यू से देखोगे, मतलब आप इसको इस साइड से देखोगे, तो आपको एक ही कॉलम मिलेगा आपको। ओके, तो वो क्या होगी, कॉलम मैट्रिक्स हो गई। तो आप सीधा ध्यान रखो, क्या है कि रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें एक ही रो हो, और कॉलम मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है जिसमें कॉलम एक हो, बाकी रो कितने भी हो सकते हैं। ओके, जस्ट अब इसको क्वेश्चन नहीं है, ये नोट है। ओके, इसको नोट में लिखो, आप नोट में लिखो एक ऐसा एग्जांपल जो आपकी रो मैट्रिक्स भी है और साथ ही साथ कॉलम मैट्रिक्स भी है, वो होती है हमारी नल मैट्रिक्स। ओके, इसको याद कर लेना, नोट है ये, क्वेश्चन नहीं है, तो इसको थोड़ा ध्यान रख लेना। नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है वो रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखना थोड़ी, ये डिपेंड है इन दोनों टाइप्स के ऊपर। ओके, रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स दोनों को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो फिर आपको ये नोट थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, एक एग्जांपल है नल मैट्रिक्स विच इज एन रो मैट्रिक्स एंड एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स ऑल्सो। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी वो मैट्रिक्स होगी जिसमें जो नंबर्स हैं, मतलब ये नंबर्स है, वो हमेशा सेम होंगे, टू मल्टीप्लाइड बाई टू, थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री, इसको फाइव मल्टीप्लाई बाई फाइव भी लिख सकते हैं, अंदर की वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती है, बट इसकी जो क्या जो नंबर्स होंगे एम और एन हमेशा इक्वल होंगे। ओके, देखो यहाँ पर लिख रहा है एम मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि ये बाहर जो मैट्रिक्स की होती है, अंदर वाली तो लोकेशंस होती है और बाहर वाले नंबर्स होते हैं कि कितने नंबर की आपकी मैट्रिक्स है, तो जो बाहर वाले नंबर्स वाले रहेंगे एम मल्टीप्लाई बाई एन होता है, इसमें अगर आपका एम इज इक्वल्स टू एन है, अब आपकी एम और एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वन टू थ्री फाइव टेन ट्वेल्व ट्वेंटी हंड्रेड टू हंड्रेड।
ओके बस आपके सेम रहने चाहिए, तो वो मैट्रिक्स आपकी कौन सी हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके देन नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल के अलावा सारी चीज़ें जीरो हो। देखो यहाँ पर एक गलत लिख रखा है, यहाँ पर कुछ नॉन जीरो है, ओके यहाँ पर थ्री मान लो कुछ भी, ओके मतलब हमेशा आपके जो डायगोनल है वो डायगोनल क्या होंगे, नॉन जीरो, और उन डायगोनल के अलावा जितने भी आपके जो भी लोकेशंस है आई और जे की, मतलब जैसे इसकी बात करो, इसमें इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो सारे जीरो होनी चाहिए। देखो ये जीरो है, 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 इसमें देखो इसके अलावा आपकी ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो ऐसी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगी। मतलब उसके डायगोनल तो नॉन जीरो होंगे, बाकी सब कुछ जीरो होंगे। ओके नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी सेम है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो डायगोनल होंगे वो डायगोनल सेम होंगे। ओके डायगोनल मैट्रिक्स में तो क्या होता है कि आपके डायगोनल नॉन जीरो होंगे, और डायगोनल कुछ भी हो सकते हैं। ओके ये नॉन जीरो है, गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर जीरो है, ये जीरो नहीं है। ओके डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, आपके डायगोनल नॉन जीरो होंगे और उसके अलावा सब कुछ जीरो होंगे, बट जो डायगोनल होंगे वो कुछ भी हो सकते हैं। ओके 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन स्केलर में क्या है, स्केलर में भी सेम है बट जो आपके डायगोनल है वो सेम होने चाहिए। जैसे 1 है तो टोटल 1 1 ही हो, अगर 10 है तो यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा। जैसे देखो इसमें देखो 2 2 ही है दोनों में, 3 3 3 है, तो ये क्या स्केलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता लग रही है कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। आपकी हर एक स्केलर मैट्रिक्स तो डायगोनल मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को आप डायगोनल भी कह सकते हो, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, क्योंकि आपकी हर एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगी, क्योंकि आपकी हर एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगी, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है कि जिसके डायगोनल सेम हो। तो देखो इसको आप कह सकते हो कि इसके डायगोनल तो अलग अलग है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकती। मतलब आपकी हर एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकती, बट आपकी हर एक स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है। ओके तो ये नोट ध्यान रखना। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उसी तरीके से है, बस आपके जो डायगोनल है वो सेम होने चाहिए और हमेशा 1 ही होने चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी नहीं होने चाहिए। देखो जैसे 1 1 1 यहाँ पर 1 1 1। ओके तो यहाँ पर एक अगेन इंपॉर्टेंट नोट आएगा कि आपके हर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पर ये 1 1 है तो ये तो स्केलर हो सकती है। मतलब आपकी हर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है, ओके बट आपकी हर एक स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकती, रिवर्स इज नॉट ट्रू। यही यहाँ पर लिख रहा है, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ओके देन नेक्स्ट है आपकी नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हों, उसको नल मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट है ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। ट्रेंगुलर मैट्रिक्स अगेन टू टाइप की होती है, कौन कौन सी, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। ओके इसको समझने से पहले थोड़ी एक कीजिए, समझो आप कि आपकी मैट्रिक्स रहती है वो इस तरीके से आप डिनोट करते हो, A11 देन A12 A13 देन A21 A22 A23 A31 A32 A33। ओके इस तरीके से रहती है, ठीक है, जो मैंने लिखा वो यहाँ पर लिख रखा है ये रहा। अब जैसे देखो आपकी ये जो डायगोनल रहेंगे इसमें जो ए के आगे रहता है ए आई जे होता है, मतलब इस वाले डायगोनल में पूरा आपका आई और जे इक्वल होगा। ओके इसके नीचे वाले जो रहेंगे, इस डायगोनल के नीचे वाले रहेंगे, इसमें आपका आई बड़ा होगा और जे छोटा होगा, क्योंकि देखो 2 1 3 1 3 2 मतलब पहले वाला बड़ा है बाद वाला छोटा है, मतलब आई ग्रेटर देन जे रहेगा। और इसके डायगोनल के ऊपर वाले जो भी एलिमेंट्स रहेंगे उसमें क्या होगा, आपका आई छोटा होगा जे बड़ा होगा। जैसे देखो 1 2 1 3 2 3 मतलब आपका पहले वाला छोटा है बाद वाला बड़ा है। ओके तो जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है उसमें क्या होता है, ओके तो देखो ये रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल से ऊपर के जो रहेंगे वो एक ट्रायंगल हो गया, उसके नीचे के रहेंगे जो एक ट्रायंगल हो गया। ओके अब बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो रहेगी जो डायगोनल के ऊपर वाले, अपर मतलब ऊपर वाले, ओके मतलब ये डायगोनल हो गया, डायगोनल के ऊपर वाले जो एलिमेंट रहेंगे वो सारे नॉन जीरो होंगे। ओके सुनना, ये तो सारे क्या होंगे, ऊपर वाले तो नॉन जीरो, ओके और जो नीचे वाले डायगोनल होंगे वो सारे क्या होंगे, जीरो। ओके अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए देखो सीधा ध्यान रखो ना आप, अगर अपर की बात हो रही है मतलब ऊपर के सारे नॉन जीरो रहेंगे, अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात हो रही है तो लोअर वाले सारे जीरो रहेंगे। ओके
अगर अपर की बात हो रही है तो अपर वाले सारे नॉन जीरो रहेंगे और नीचे वाले ज़ीरो रहेंगे, ओके। और लोअर की बात करें तो लोअर वाले सारे नॉन जीरो रहेंगे और अपर वाले ज़ीरो रहेंगे, बस ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। उसी को यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में दिखा रखा है, ओके। ये क्वेश्चन देखो क्या है, ओके, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा क्वेश्चन, ओके, इसका कोई मेथड नहीं है। देखो क्या है, ए एंड बी आर टू नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स, आपकी ए और बी कोई मैट्रिक्स है दो, वो नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है, ओके। और उसका ए एंड बी, अगर उन दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो ज़ीरो के इक्वल आएगी, तो ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है बताओ, ओके। तो वो आपकी ये मैट्रिक्स है, ओके, ये प्रैक्टिस से आएगा, इसका कोई मेथड नहीं है, तो इसको ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस तरीके, इफ़ एक्स एंड वाई आर द टू नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एंड एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई इज़ ऑल्सो ज़ीरो, देन उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा। तो देखो वही है अभी जो क्वेश्चन था उसी तरीके से देखो, मतलब ये वाला कैसे हो गया, अब इसका डिटर्मिनेंट लो आप, इसका ज़ीरो हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट लो, इसका भी ज़ीरो हो जाएगा डिटर्मिनेंट, मतलब आपका एक्स का डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो है और वाई का डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो है, तो केस नंबर डी सही हो गया, इसी को है। इसको पहले इसको ध्यान से करो, इस क्वेश्चन को पूरे फोकस के साथ करो, अच्छे तरीके से समझो, अगर ये समझ आ जाएगा तो फिर ये तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, ओके, क्योंकि उसी पर डिपेंडेंट है। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ये तो करेक्ट है, बट इसका अगर आपको क्वेश्चन बोले कि आपका डिटर्मिनेंट एक्स ज़ीरो है और डिटर्मिनेंट वाई ज़ीरो है, तो क्या आपका एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई वाई भी ज़ीरो होगा क्या, तो ये गलत बात है, ओके। दिस करेक्ट बट इस कन्वर्स इज नॉट करेक्ट, ओके। तो यहाँ पर यही समझा रखा है थोड़ा सा, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ओके, नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर को देखो, थोड़ा सा बेसिक है, ओके, थोड़ा कन्फ्यूज करने वाला भी है, बट थोड़ा बेसिक है, एक बार देखो, अगर नहीं समझ आता है तो कमेंट करके कमेंट बता दो, वापस से कर लेंगे एक बार, डोंट वरी, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।